हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनुकृति इमेजिनेशंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राधा कृष्णा की वॉल डेकोर पेंटिंग। देखिए, यहाँ पर मैंने एक फेस की ड्राइंग की और मैंने इसे कट किया है, और अब मैंने कमर की ड्राइंग की है, इसे भी मैं कट कर रही हूँ और एक स्टिप भी कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी सभी ड्राइंग्स की दो दो कटिंग करनी है, एक राधा के लिए और एक कृष्णा के लिए। अब देखिए, यहाँ रख करके मैंने धोती का पोस्चर लिया है पैरों का, इसे भी कट किया है और मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ करके कट करूँगी। ये हमारी बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है, और अब देखिए ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है इस तरह से, और मैं यहाँ पर पगड़ी की ड्राइंग कर रही हूँ, इसे भी हम कट कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर मैं पेंसिल की हेल्प से स्टिक्स बनाऊंगी। आप चाहें तो स्टिक की भी हेल्प ले सकते हैं इनको बनाने के लिए, और इस तरह से हम फोर थोड़ी मोटी मोटी स्टिप्स बनाएंगे राधा कृष्णा के हैंड्स के लिए। एक बांसुरी के लिए भी बनाएंगे, और बाकी हम थोड़ी थोड़ी स्लिम स्लिम पतली पतली बनाएंगे एक्सेसरीज के लिए और थोड़ा रिलीफ वर्क करने के लिए। अब देखिए, पगड़ी पे मैंने चारों तरफ फेविकॉल लगाया, और अब देखिए किस तरह से मैं इन स्ट्रिप्स को यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। मैं एक करके आपको दिखा रही हूँ, बाकी आपको पूरी पगड़ी पे इसी तरह से इसे पेस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से हो गया। और अब देखिए, यहाँ पर भी मैंने फेविकॉल लगा रही हूँ, और यहाँ पर भी हम फोर स्टिक्स पेस्ट करेंगे साइड से और बीच में भी दो। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा वाला सर्कल फेस लिया है, ये हमारा राधा का फेस है, और मैं इस तरह से यहाँ पर भी स्टिक्स लगा रही हूँ, और मैंने एक सर्कल कट किया है और इसे पेस्ट किया है। ये हमारी बिंदी हो गई राधा जी की, और मैंने थ्री स्टिक्स लिए हैं और उन्हें मैं जैसे चोटी बनाते हैं वैसे भी बना रही हूँ राधा जी की है। और यहाँ पर मैं उनके रबर बैंड लगाने वाली हूँ एक और स्टिक से इस तरह से, और बाकी नीचे हमें ऐसे कटिंग करना है। और अब मैंने फेस को एक स्ट्रिप से पेस्ट कर दिया है, और इस तरह से मैं फ्लावर बना रही हूँ। स्टिक को लेकर के हमें बस राउंड 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 करना है, और हमारे ऐसे फ्लावर्स छोटे बड़े हमें रेडी करने हैं। और अब देखिए, मैं एक्सेसरीज बना रही हूँ उन्हें इस तरह से, और एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और हम जो फ्लावर हमने रेडी किए थे उन्हें अब हमें पेस्ट करना है इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही हमारे घर पे कार्डबोर्ड न्यूज़पेपर वेस्ट ही पड़े होते हैं, बस हमें उन्हें लेना है, और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप करते जाइए, तो आप अपने घर के लिए बहुत सुंदर राधा कृष्णा की रिलीफ पेंटिंग बना सकते हैं। बहुत ईजी है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें बाहर से कुछ भी लेने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ घर पर ही है। अब देखिए, मैंने यहाँ एक और न्यूज़पेपर लिया है, और उससे जैसे कि हम जैसे फ़ैन बनाते हैं ना, जैसे बच्चे फ़ैन बनाते हैं अपने घर पे, हमने भी बहुत फ़ैन बनाए हैं बचपन में, सेम वैसे ही हमें करना है, राउंड राउंड लेफ्ट राइट इसे करना है। और इस तरह से देखिए, हमें फ़ैन रेडी हो गया हमारा, और इसे हमें इस तरह से खोलना है, और इसे हमें जो हमारा पोस्चर था पैरों वाला उस तरह पेस्ट करना है। तो आप इसे फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ स्टेपलर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और साइड से भी, और दोनों नीचे की साइड से भी हम दोनों साइड इसे स्टेपलर कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और नीचे से भी, आप चाहें तो बीच बीच पर भी एक दो स्टेपलर कर सकते हैं। अब देखिए, जो फ्लावर हमने बनाए थे उसमें से मैं कुछ फ्लावर इनके इधर भी रख रही हूँ कपड़ों पर, हाँ थ्री इधर थ्री उधर। अब देखिए, जो हमने अब हमारी कलरिंग शुरू हो रही है। अब देखिए, पगड़ी पे मैं जहाँ हमने रिलीफ काम किया है वहाँ पर मैं रेड कलर कर रही हूँ, और अंदर वाले पोर्शन में मैं येलो कलर करूँगी। वैसे मैं कलर मर्ज करूँगी, ऊपर की तरफ से रेड और नीचे की तरफ से येलो कलर करूँगी। आप चाहें तो सिंपल कलर भी फिल कर सकते हैं, मर्जिंग की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, करके मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही हमें पूरी पगड़ी को कम्प्लीट करना है इस तरह से कम्प्लीट। और अब हम कृष्णा के फेस में कलर कर रहे हैं। जी हाँ, आप चाहें तो मैं यहाँ पर कृष्णा में ब्लैक कलर कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लू कलर भी कर सकते हैं, और स्किन कलर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब कृष्णा के जो जो पोर्शन है उनकी बॉडी के, जैसे कि फेस, हैंड्स, कमर, उन पर हम ब्लैक कलर ही करेंगे। देखिए इनके हैंड्स, इन पर मैं टू स्टिक्स पर ब्लैक कलर करूँगी, क्योंकि राधा के टू स्टिक्स पे हम
स्किन कलर करेंगे। अब देखिए एक और स्टिक ली है मैंने, यहाँ मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ, ये हमारी कृष्णा की बांसुरी है। मैं सिंपल कलर करूँगी, बाद में हल्का सा इस पर गोल्डन कलर भी टच करूँगी। आप चाहे तो इसे और डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ जैसे हमने अपने पगड़ी पे किया था, रिलीफ पे रेड कलर और अंदर मैं येलो कलर ही फिल करूँगी। देखिए कलर की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, आपको जो भी कलर अच्छा लगता हो या जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से, इसे मैं डबल कर रही हूँ ये देखिए, और ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट। और अब हमने कृष्णा के पैरों को लिया है, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लगना चाहिए कि हमारे कृष्णा धोती पहने हुए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर को मर्ज करके कर रही हूँ, नीचे की साइड येलो और ऊपर की साइड ग्रीन कलर, और फिर थोड़ा हम एंड में डार्क ग्रीन कलर लगाएंगे और उसे भी हम मर्ज करेंगे, और थोड़े से हम फोल्ड्स देंगे जिससे लगे कि हाँ वो धोती पहने हुए हैं। ये देखिए मैं ग्रीन कलर मर्ज कर रही हूँ। देखिए डार्क ग्रीन को करने के लिए आप थोड़ा ग्रीन में हल्का सा पर्शियन ब्लू कलर और मिक्स कर लें जिससे लगेगा कि हमारा कलर डार्क हो गया है। अब देखिए मैंने फोल्ड्स दे दिए हैं, और अब ये हमारे कृष्णा का ऊपर वाला पोस्चर है, तो यहाँ पर भी मैंने कलर फिल किया है, और ये कलर मैं धोती वाला ही कर रही हूँ ग्रीन एंड ब्लू। आप चाहें तो ब्लू की जगह ब्लैक आउटलाइन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ पे मर्जिंग वाला काम कर रही हूँ। अंदर मैं हल्का सा येलो कलर लगाऊंगी, ये देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा हमारा ऊपर वाला पोर्शन। और अब देखिए गले में जो कृष्णा माला पहने हुए हैं उस पर मैंने येलो कलर कर दिया है, लेकिन राधा में मैं थोड़ी एंटिक ज्वेलरी बनाने वाली हूँ। अब देखिए हमारी राधा में कलरिंग शुरू हो गई, तो राधा में तो मैं स्किन कलर किया है मैंने, आप चाहें तो कृष्णा के कलर की भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी जो थी वो गोरी थी, कान्हा जी हमारे सांवरे थे। देखिए और जैसे हमने कृष्णा के पार्ट्स में ब्लैक कलर किया था सेम वैसे ही हमें राधा जी में करना है, फेस हैंड्स नेक कमर में स्किन कलर, और बाद में अपने कपड़ों में हम कोई भी कलर कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। देखिए मैं थोड़ा कृष्णा के कलर टोन लेके चल रही हूँ राधा जी में भी, क्योंकि ट्रेंड होता है ना सेम कपड़े पहनने का, इसीलिए मैं थोड़े से कृष्णा के मैचिंग मैचिंग वाले कलर राधा जी में कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पहले ऑरेंज कलर लिया है और उसके बाद मैं रेड कलर को मर्ज कर दिया है, और फ्लावर जो है मैंने येलो कलर के रखे हैं। अब देखिए जो हमारे राधा रानी के बीच वाला जो हमारा लुक है कपड़ों का, वहाँ मैंने ऊपर ऑरेंज कलर किया है और नीचे येलो कलर किया है, और देखिए फ्लावर्स थोड़ा सा और मैंने डिज़ाइन बना दी, सर्कल्स रख रही हूँ मैं, लेकिन आप चाहें तो फ्लावर और स्टोन वर्क भी कर सकते हैं, वो आपकी और क्रिएटिविटी है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ कलर वाला ही काम कर रही हूँ। और देखिए हमारी राधा रानी का हमें भी हमने कृष्णा जी का बनाया था, सेम कृष्णा वाला ही हमें राधा रानी के ऊपर वाले पोर्शन में ही फिल करना है कलर। अब देखिए मैंने बालों में और उनकी चोटी में ब्लैक कलर किया है, रबर बन में रेड कलर कर रही हूँ, और इसके बाद हमने देखिए राधा रानी की ज्वेलरी में सबसे पहले ब्लैक कलर किया है, और इसके बाद हम इसमें गोल्डन कलर करेंगे, इससे हमारी राधा रानी की ज्वेलरी बहुत एंटिक बन रही है इस तरह से। सेम राधा जैसे हमने कृष्णा जी में कलर किए थे सेम वैसे हमें राधा रानी में करने हैं। अब हमारी राधा रानी की ज्वेलरी भी ऑलमोस्ट हो गई, और अब हम इन्हें देखिए बांसुरी में मैंने जैसे आपको पहले बोला था वैसे ही मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर टच किया। आप चाहे तो बांसुरी में कुछ थोड़ा और काम भी कर सकते हो, लेस लगा सकते हो, स्टोन्स लगा सकते हो। और अब हम करेंगे इन्हें राधा और कृष्णा को पेस्ट, मैं यहाँ फेविकॉल से पेस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्लू गन से, डबल साइड टेप से, फेविक्विक से, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने फेस गर्दन से, फिर ऊपर वाला पोर्शन, फिर कमर, फिर उनका ये नीचे वाला पोर्शन पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर
डबल साइड टेप का भी यूज़ कर रही हूँ। और अब हम अपने कृष्णा को पगड़ी बनाएंगे। ये देखिए फेविकोल लगाया ऊपर और अब पगड़ी भी पेस्ट कर दी, और एक मोर पंख भी हम पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अब हम अपनी राधा रानी को रेडी कर रहे हैं। जैसे हमने कृष्णा को किया है सेम वैसे हमें राधा रानी को करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए हमने राधा रानी को भी पेस्ट कर दिया, और मैंने देखो हाथों को स्टेपलर किया है क्योंकि पतली पतली हमारे पास स्टिक्स हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम बांसुरी के साथ इनको डबल साइड टेप से पेस्ट कर दिया, और हमारे राधा कृष्णा जी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।